माशाल्लाह से जी हमारी सुबह हो चुकी है और अब हम लोग जो है नाश्ते की करने लगे। क्यों रोंगी बेटा? ये देखिए हमारी जो कबाबी चाय है हमारी फेमस। आज हमारे बहुत सी बहन और भाई ये तो माशाल्लाह पहले बहन भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। और माशाल्लाह से जी हमारी सुबह हो चुकी है और अब हम लोग जो है नाश्ते की करने लगे हैं तैयारी। इंजेक्शन दोनों बाजुओं में लगे हुए हैं और बाजू दर्द कर करके बुरा हाल हुआ हुआ मेरा ना, तो अब नाश्ता नुश्ता बनाने लगे हैं और नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता क्या बना रही हो बेगम? राजू सालन बनाया था ना, वो ख़त्म हो गया तो अब मैंने कहा चटनी पीसते हैं। यानी हमारा इंतखाबी निशान? हमारा इंतखाबी निशान। चलें वो बनाएं, फिर मैंने भी अपने जो है इंटरव्यू के लिए। आज धोए जा रहे हैं बर्तन क्योंकि मैडम बना रही है नाश्ता, सुबह का टाइम है। मैंने चलो मैं बर्तन धो लेता हूँ, आप नाश्ता बना लो। तो वो नाश्ता बना रही है, वो भी शेयर करता हूँ। वाह जी वाह बेगम साहिबा। दीदी माशाल्लाह से टमाटर और हरी मिर्च और धनिया और धनिया और जीरे की चटनी हमारी बनने लगी है। टमाटर की चटनी ना जीरे का, तो फिर वो बंगाल लगाना है? लगाना लगाना है, क्यों नहीं लगाना? उधर वो भी बच्चे भी कहते नहीं लगाना। नहीं नहीं लगाना है बंगाल शंगार हर चीज़। जिस तरह हम बनाते हैं चटनी, जो हमारी फेमस चटनी है वही बनानी है। वही बनानी है? नहीं वो दूसरी चटनी है, ये दूसरी चटनी है। ये भी दूसरी है, वो भी दूसरी है। चलो कोई बात नहीं। माशाल्लाह आटा गूंद रहा है, सिस्टर आटा गूंद रही है। और क्योंकि अब सबने नाश्ता वगैरह करना है जल्दी। क्यों रोंदी बैठी है? नहीं रो नहीं रही हूँ। इंडे ते देख। नहीं नहीं प्याज पीस रही हूँ, प्याज पीस रही हूँ ना चटनी के लिए, चटनी में ऐड करने के लिए। तो उसमें ना आंखों पानी आना शुरू हो गया। पीस चुके हैं प्याज। ये जी देख लें, जिन्होंने चटनी बनानी हो ये चटनी बन रही है। ये चटनी बनाकर प्याज कूट कर उसमें घी डाला जा रहा है और अब बीच में जीरा भी ऐड करेंगे इसमें ना। वो थोड़ी देर बाद होगा। थोड़ी देर बाद होगा। तो कितनी देर पकाना पड़ता है इसे? 10 से 15 मिनट। अच्छा ये देखिए जी घर की रोटियां तैयार हो गई। तैयार नहीं हुई, तैयार होने लगी है। अपन माशाल्लाह एक साइड पे चटनी बन रही है, एक साइड पे चटनी, ये रोटियां तैयार होने लगी हैं। हाँ तो वो घर वाली रोटी है ना? जी 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 घर वाली रोटियां हैं। ये घर वाली रोटी है ना? जी सर घर वाली। फिर से देख लें, घर वाली है। घर वाली है, घर वाली है भाई, घर में बन रही है रोटियां। जी जी फिर से देख लें। अच्छा तो एक बात और पूछनी थी यार आपसे। सब बहन भाई आपका पूछते हैं कि काम नहीं करते, तो फिर क्या जवाब देती हो? मैं उन्हें ये कह दिया अगर नहीं करते भाई। जब करते हैं काम तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं करते? जी तो प्यारे बहन भाई हो, बात ये है। देखिए जी काम तो काम है, मेरा कोई YouTube पे वो तो नहीं है। हाँ जी खाली YouTube पे ही हमारा कोई आसरा है। हमारी तो भी YouTube से ना कोई इनकम आई है और ना हमारा अभी तक तो हमारी पिन नहीं आई। तो हमारी पिन नहीं आई, इनकम तो बड़ी दूर की बात है। बड़ी दूर की बात है। चैनल बनाए हुए तो मुझे 6 माह हो गए, चैनल मोनो हो गए मुझे
मेरे दो माँ हुए हैं तो प्यारे बहन भाई हो, मेरा आपको यही पैगाम था। देखे ऐसे जो बहन भाई ऐसे आके पूछ के जाते हैं, उन्हें नहीं पूछना चाहिए, उन्हें यही देखना चाहिए कि आखिर कमा रहे हैं तो हम खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम पाक ज़ात का, अल्लाह का शुक्र है। चटनी से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, मुर्गे से खाते हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, करम पाक ज़ात का। तो प्यारे बहन भाई हो, मार्केटिंग का काम करते हैं खुद, तो बाकी डिटेल आपको खुद बता देते हैं। अभी ये मकान शिफ्ट करने की वजह से जॉब चली गई थी, तो अभी जॉब की तलाश में हूँ, जिसकी वजह से आज मैंने इंटरव्यू पे भी जाना है एक जगह पर, तो वो नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता कर कर मैं फिर इंटरव्यू पर जाऊँगा। इंटरव्यू पर जाना। तो जी ये घर की रोटी बन गई है, ये देखें जी हमारी जो इंतखाबी निशान है, हमारी फेमस चटनी वो हो गई है तैयार। ये है हमारा इंतखाबी निशान, हमारी फेमस चटनी जो कि तैयार हो चुकी है और अब हम करेंगे नाश्ता। ऑन चने, ये क्या कर रहे हो आप, बिस्कुट तोड़ रहे हो सारे? ऑन सारे बिस्कुट तोड़ रहे हैं। ऑन पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी ये माशाल्लाह करने लगे हम नाश्ता, चटनी हमारी बन गई है। ये हमारी चटनी, हमारा इंतखाबी निशान, हमारे इंतखाबी निशान और नाश्ता हम कर रहे हैं। और ये हमारी इंतखाबी निशान, नहीं ना करें यार आज तो बस ना पूछे, मेरे मैं बताया ना कि मेरे बाजू में बहुत तकलीफ है कंधों में। तो जी जिस बहन भाई ने आना है आया, हमारे साथ बैठ के खाए। हाँ भाई क्या एक्शन, क्या बात है। आज हमारा व्लॉग भी कोई ज़्यादा मुझे लगता है फनी वगैरह नहीं भाइयों। आज हमारे अब मेरी बहुत सी प्यारी एक बहन और भांजी आई हैं जी मुझसे मिलने के लिए घर में, लेकिन वीडियो में वो नहीं आ सके, तो मैं माजरा चाहती हूँ। अब बना रही हूँ उनके लिए चाय और सब बहन भाइयों को दिखाऊँगी। जिस जिस बहन भाई ने पीनी है तो आ जाए। बहन भाइयों ये माशाल्लाह से हमारी चाय रेडी हो चुकी है, चीनी मैंने डाल दी है, एंड में डाली है और अब हम आपको दिखाएंगे। आपने भी चाय पीनी है? हाँ जी बिल्कुल पियेंगे, तो पहले तो नहीं पी थी, आज तो मैंने खुद ही मांग ली बाजी मैंने चाय पीनी। प्यारे बहन भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, पहले तो मैंने चाय का कह दिया, अब मैं आई हूं बाजी पीना के घर। हाँ जी, तो बहुत खुशी हुई आप आ गई माशाल्लाह से। ये देखिए जी कड़ी है और अब चाय भी आपने ही पिलानी है। हाँ जी चाय बन रही है, बस हो जाए अपने। माशाल्लाह अम्मा जी तुसी भी चाय पीनी है? हाँ जी पीवांगे, चाह क्यों नहीं पीनी, ज्यादातर नशा है साडा। ज्यादातर नशा, हाँ जी असि चाह दे पोसती हैं, की करिए। हाँ जी असि पोसती हैं, चाह आदत तो मजबूत है सारे। बिल्कुल बेटा भाई, हम ना खाने के बाद भी खाने से पहले भी दिन में जब थकन हो कुछ भी हो तो हम कहते हैं चाय मिल जाए तो हमारी थकावट खत्म हो जाती है। खाना खाओ, खाने के बाद चाय ना पियो तो सिर में दर्द, यही गल है। और अम्मा जी कुछ कहना चाहोगे भैन भाइयों? हाँ जी सब ठीक ठाक, दुआवां मांगियां सब ना। वालेकुम मां जी। वालेकुम सलाम बेटा, की हाल है? ठीक बस ठीक ठाक, तुसी सुनाओ तबीयत किदा? बस ठीक है, राती अखां वखाण गई सा। अच्छा, ते उन्हां ने कहा जुमे नूं ऑपरेट होएगा। ऑपरेट होना? हाँ जी, ते मैं कहा जे नहीं मैं करांदी, क्योंकि चारा ने होन दे ते कोले बंदा बनांदा है ना। हां बिल्कुल है, मैं फिर आख्या जे नहीं ना सर रहन। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह और भाभी आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? हाँ जी आए बैठे, बड़े खुशी हुई, अब हम जा रहे हैं घर, हमें दें इजाज़त। वापस जा रहे हैं? हाँ जी वापस जा रहे हैं। मैं अभी आया हूँ, तुम लोग जा रहे हो? जी भाई हम तो जा रहे हैं, आपके भाई आने वाले हैं फिर रात को अगर। अच्छा वो भी आने वाले हैं? हाँ जी वो भी आने वाले, घर आने वाले हैं, सही। तो फिर आपको कॉल करेंगे, आप आ जाना। तो माशाल्लाह हमारे घर की गारत आप लेके जा रहे हैं? देखे चलो। हाँ जी ये सारे बच्चे आ जाओ, सारे बच्चे चले, सारे बच्चे आ जाओ, सारे चले। हाँ जी सारे आ जाओ, चलो फिर आने शाम नो असली इंशाल्लाह मुलाकात होंगी। हाँ जी जरूर। अच्छा अल्लाह जी, तो माशाल्लाह भाई आया, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे जी। तो भाई जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, शुक्र है, शुक्र है उस मालिक का, करम है उस पाकजात का। और तबीयत से ठीक है आपकी? माशाल्लाह। तो भाई हमारे काफ़ी दिनों के बाद इधर घर आए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है।
हाँ जी बहुत खुशी, काफ़ी दिन के बाद आए तो इधर घर में आए ना मोहल्ले में, वहाँ तो हम इकट्ठे रहते थे और आना जाना लगा रहता था। आप अच्छे थे तो वहाँ से आए हम। हाँ जी, तो भाई हमें वहाँ से मिलने के लिए आए हैं। चलो शाजिया भाभी चाय बन गई माशाल्लाह जी, माशाल्लाह उस्मान ने और शाजिया भाभी ने दोनों ने मिल के चाय बना ली है। मैंने कुछ एक दो हाथ आके बस बीच में मैंने भी लगा लिया था। माशाल्लाह मेहमानों के लिए रेडी कर दिया गया है, ये हमारी मैडम लेकर जा रही है। हाँ जी, गर्मा गर्म चाय, चाय वाला ऐसे नहीं बिकती भाई। कैसे कैसे चायला 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 भाई चायला चाय वाला चाय वाला ऐसे बिकती है चाय। जी तो पहले मैंने भाई बताना शुरू था, मैंने आराम से निकाल ली लेकिन खुद उनके कहने पे निकाल ली है। हाँ वो भी नहीं, क्या क्या ले उठाओ। ये है चाय, ये है बिस्किट। और प्यारे बहन भाइयों ये देखो डब्बे के साथ होती भी ज्यादती, बहुत मुश्किल के साथ ये इन्होंने मिठाई का डब्बा खोल लिया है। खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा भाई और हमारी भाभी माशाल्लाह खा रहे हैं तो खुशियां का समा है, और मिठाई आई है तो मिठाई को देख के कौन कह सकता है कि हम पीछे रहे। प्यारे बहन भाई आप भी राय का साथ दीजिए, क्या आप रह सकते हैं मिठाई के बिना? नहीं रह सकते ना, तो ये तो खुशियाँ हैं, हम कैसे रह गए बच्चो। जी क्या खा रहे हो? मिठाई मिठाई है, मिठाई मिठाई। ताई तू ताई खा रहा है? ऐसे नहीं करते, हैंड वॉश करके आना, मिठाई खा लो फिर। हैंड वॉश करते आओ, हैंड वॉश करते आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ हैंड वॉश करने आपने, ठीक है जी? जाओ जल्दी से, पहले मिठाई खा लो फिर हैंड वॉश। जी वाह, बर्तन धो लिए? जी धुल गए माशाल्लाह, हमारी तो मौज हो गई ना, हम तो चले गए। तो हाँ जी चलो कोई बात नहीं। हाँ जी आप मेरे पीछे पीछे हैं, फोन लेके आज खैर है आज। अरे भूखा मारने का दादा सबको ना कही यार, अभी तक तुरे कुछ पकाया ही कुछ नहीं यार। क्या बनाए समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाए। सबर पकाए फिर आज? हाँ सबर पकाए, मर्जी है यार तेरी यार, कम से कम खाने को तो दे दे हमें यार। रोटी नहीं खाई? तो यार वो तो नाश्ता किया हुआ अल्लाह की बंदी यार। अच्छा फिर अब क्या खाना? शाम हो गया यार, अब खाने को कुछ नहीं देना यार। यार दालें रखी हैं, दालें बना ले। हाँ दाल बना लो आज, मुझे अच्छी नहीं लगती है। हैं दाल मुझे अच्छी लगती है। हाँ जी ये वोट आ गया भाई, ये वोट सबसे पहले आता है, मेरा वोट आ गया, वोट है ना ये सबसे पहले आता है, मेरा वोट आ गया। मेरे पापा को भी पसंद है मुझे। कौन सी दाल बनाए फिर आज? माश। माश चलो जी, दाल माश बन जाती है, फिर दाल माश बनाते हैं ठीक है। आज कौन सी दाल माश? जो मेरी फेवरेट दाल है दाल माश। यार मूंग की बना लो यार, पतली दाल क्या हो गया यार। चलो मूंग की मदनी नहीं हो, नहीं वो बनाएंगे दाल माश बनाते हैं। चलो बनाओ चटपटी करके, बनाओ बनाओ बनाओ, भुनी दाल बनाए ना। और ये मेरा पांडा उठ गया है सोकर, सोया हुआ था और अब ये उठ गया सोकर, इसे नहलाया नहला के फिर ये सो गया। और मोहम्मद बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, अभी नहीं अभी सो के उठे। अच्छा कैसे ऑन पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखिए जी मेहमान जाने के बाद हमारी मैडम लगी हुई है काम को, तो अब इस सारी चीज़ों के बाद हम चाहेंगे इजाज़त आपसे। तो हमारे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से आपके पता रहता है कि हम आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जी बेगम साहिबा जी, तो प्यारे बहन भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे व्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स में पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई देती हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों ये था हमारा आज का व्लॉग, और हमारे मेहमान आए थे माशाल्लाह से, वो भी चले गए हैं, हमारे उस मोहल्ले से आए थे, हमारे मोहल्ले से हमें मिलने के लिए मुझे बहुत खुशी, और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हाफिज़। अल्लाह।